सेंड uh, कर दिया जाएगा आपको कोर्स कंटेंट के मुताबिक ही पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। कि जिसकी वॉइस आ रही है प्लीज इसको बंद कर लें uh, 98 हो गए स्टूडेंट्स बाकी फाइव मिनट वेट कर लिया नेक्स्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मैम जी मैम कल वाले लेक्चर का पीडीएफ आपने सेंड नहीं किया जो आ, कल वाले लेक्चर का पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है प्लेटिकल मंदी उसका फाइल मैंने सेंड नहीं किया आपको नो मैम आई थिंक किया मैंने नो मैम ओके चले मैं देख के दोबारा कर देती हूँ तो शायद okay. गलती से मुझे लगता है कहीं और सेंड हो गया है

आज हमने स्टार्ट करनी है क्लास स्टोडा ठीक है इसमें हमारे पास जो टैपवम आ जाते हैं ठीक है थीके? उनकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे डिफरेंट टैप की की इसमें कौन कौन से टैप वम है हम इसमें फोर टैप भी पढ़ेंगे और एक दो टैप और हैं उनकी टाइप्स हम पढ़ेंगे के और उनमें फिर हम लाइफ साइकिल देखेंगे कि कैसे वो ग्रो करते हैं उनका प्राइमरी होस्ट क्या है सेकेंडरी होस्ट क्या है सबसे पहले जो हमारे पास टेपॉर्म है ये उनकी करेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे होती है सबसे पहले उनकी जो बॉडी बताया गया यहाँ पे सिलेंडर और इलोंगेट होती है इलोंगेट का मतलब ये होता है कि लेंथ वाइज लंबी होना और सिलेंडर का ये मतलब होता है कि जिसे आप कह लेते हैं कि पतला होना ड्राइंग मत करें एजाज हुसैन इसके बाद बॉडी में बताया गया कि जो बॉडी है वो फ्लैट होगी और उसमें छोटे छोटे सेक्शन बने होंगे देखिये जिसे कि आप सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं देखिये इसमें जो वो सेक्शन जो होंगे उनको हम प्रोग कहेंगे उनको डायग्राम में भी मैं आपको दिखाती हूँ सेम इसी तरह से इनमें भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होगा इनकम्प्लीट होगा जस्ट माउथ होगा एनस नहीं होगा इनमें सीलिया की जो है वो कमी होती है इसके अलावा जो इनकी बॉडी कवर होती है वो टेगोमेंट से होती है टेगमेंट कहते हैं होल को ठीक है जैसे आउटर लेयर होती है सेम इसी तरह से टैगमेंट और इसके अलावा इसमें कॉम्प्लेक्स मसल्स की लेयर होती है कॉम्प्लेक्स मसल्स की लेयर उसे कहते हैं जो एक लेयर पे दूसरी लेयर बनाना सिंपल में आप एक लेयर कंसीडर करते हैं जैसे एक धागा हो जाता है ठीक है सेम इसी तरह से जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक धागे के ऊपर जब दूसरा करेंगे तो वो आपके पास लेयर तीन चार बन जाएंगी ठीक है उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स मसल लेयर पैरन कायमा ये टिश्यू होते हैं ये प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं एनिमल्स में इनका काम होता है स्टोर फॉर्मेशन का या इसे आप कह लें कि बोन्स में ये एज ए स्ट्रक्चरल वर्क परफॉर्म करते हैं लेकिन प्लांट्स में इनका काम फंक्शनली जो है वो फोटोसेंथसिस करवाना होता है इसके अलावा हम की बात करते हैं, जो के सेल्स पे हैं और का मैंने आपको बताया था कि इनका रोल होता है एक्सक्रीशन करवाना। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव करना नर्व रिंग होता है टेगमेंट, टेग बता टेगमेंट कहते हैं होल को आउटर लेयर को okay, ठीक है नर्व रिंग जो हमारे पास है नर्व uh, रिंग में जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो उनके तीन पेयर्स होते हैं तीन पेयर्स का ये मतलब है कि वो टोटल छह नर्व कॉर्ड होंगी जो कि नर्व रिंग से अराइज करेंगी ठीक है और इन नर्व कॉर्ड का ये मकसद होता है कि मैसेज को कन्वे करना uh, कुछ लोग कुछ लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे उनको कहें कि वो कनेक्ट करें इसके टेगोमेंट का ये मतलब होता है कि जो कवरिंग होती है होल जिसे कहते हैं ना शेल टाइप ठीक है न, type, उसे टेगोमेंट कहते हैं पेरेंट काइमा टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं एनिमल्स में हम इनका ये पढ़ेंगे प्लेटी हेलमेट इनका स्टोरेज का काम होता है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली जो है वो इन्होंने बोन फॉर्मेशन करवानी होती है इसमें बोन का कोई काम नहीं होता यहाँ पे जस्ट हमने फंक्शनली देखना है कि ये स्टोर करेंगे जो डक्ट्स हैं उसे आ, हम आ, इसमें नालियां कहते हैं ठीक है जो जैसे केनाल होती है सेम इसी तरह से इन्हीं डक्ट्स ने जो है आगे जाके फ्लेम सेल्स में डिवाइड करना होता है और इन्हीं सेल्स ने जो है वो एक्सक्रीशन करवानी होती है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इन्हीं फ्लेम्स सेल से ही बाहर बॉडी से रिमूव होगा मैम इनकी मूवमेंट कैसे होती है कंट्रैक्शन के जरिए कंट्रैक्शन ही लगती है इनके कम मस्कु, मस्कुलर सिस्टम से भी होती है लॉन्गीजिटल और सर्कुलर मसल्स से। इसके अलावा इसमें हुक हुकर्स भी होते हैं और सकरस भी होते हैं ठीक है जैसे आप कह लें कि स्मॉल जो लेग्स होती है ना उनकी मदद से ये मूव करते हैं नेक्स्ट uh, ये डायग्राम में भी आएंगे वो बिल्कुल इतने स्मॉल होते हैं कि नजर नहीं आती है hmm. फूड इसमें की जाती है है बॉडी वॉल के थ्रू डायरेक्टली ठीक hmm. माउथ से भी ली जा सकती है इसके अलावा बॉडी वॉल से भी डायरेक्ट एब्सॉर्ब की जा सकती है ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं एंडोपेरासाइट इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन उनमें ये रहते हैं और उन्हीं से अपनी फीड जो है वो लेते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो ह्यूमंस अक्सर स्मार्ट होते हैं स्लिम होने की वजह से उनकी जो बॉडी की खुराक होती है अक्सर यही जो पैरासाइट्स होते हैं ये खा जाते हैं उनको इसके अलावा जो इनके लार्वी होते हैं वो आ, टिश्यूज uh, में रहते हैं उनका जो होस्ट होता है वो उसको चेंज करते रहते हैं अल्टरनेट होस्ट का मतलब ये होता है मتبادل होस्ट होस्ट हम दो तरह के पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी उनको हम डेफिनेट या इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं इसके बाद मैम जी मैम बोला हंड्रेड प्लस पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं ना तो आई थिंक जो लिंक जॉइन नहीं होता बच्चों से तो कुछ बच्चे मैसेजेस आ रहे हैं कि लिंक जॉइन नहीं हो रहा अब इसका क्या कर सकते हैं मैम क्योंकि क्लास में काफी बच्चे ऐड भी हो गए ना चलें इसका हल भी देखते हैं अभी आज का तो देखते हैं आज का लेक्चर तो या अगर आप में मैम अगर आप जी मैम गूगल मीटिंग पर कितने हो जाते होंगे मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है मैं पूछ ही करती हूँ मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं वो तकरीबन एट्टी है नाइन्टी से ऊपर नहीं जाते अक्सर और काफी मैंने अभी स्टूडेंट्स के नेम भी ऐड वगैरह करवाए हैं तो देखते हैं गूगल मीट का देखते हैं या कोई और ऑप्शन देखते हैं जी मैम कल भी काफी हुए। तो आप लोग एटलीस्ट बताया तो करें आप लोग बताते भी नहीं है कि मैम ये मसला है या ये है मुझे तो यही लगता कि स्टूडेंट्स है ही नहीं क्यों बाकी बाकी क्लास में नहीं स्टूडेंट्स इतने होते मैम आज ही ऐड हुए कल मैम मैम कल सर सफीउल्लाह ने और मैम सोबिया ने भी सेंड की थी तो फिर आज ऐड की ओके okay. मैम पहले भी पहले भी बहुत मरते हुआ ऐसे बहुत क्लास में 100 हो जाते हैं उनके बाद नहीं होते ग्रुप्स में बच्चे मैसेज करते रहते हैं ओके okay, इसमें इस खैर यही बात है कि पहले आए पहले पाए और दूसरी बात यह है कि मुझे तो ये नहीं था मैंने कहा शायद स्टूडेंट है नहीं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के नंबर भी नहीं थे ठीक है अब इसका ये है कि जो अल्टरनेटिव है नेक्स्ट देखते हैं कि गूगल मीट करना है या क्या करना है जिससे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सके सबके सब एडल्ट फॉर्म्स में ये होता है कि जो कि यंग होते हैं ठीक है वो सेक्सुअली मिच्योर हो जाते हैं जी यमन अच्छा इसमें हम पढ़ रहे थे कि स्क्यूलक्स एंड प्रोग्लोटिड्स हंड्रेड तो होगा स्टूडेंट्स चलेंगे मैं इसके ये ये क्लास हो जाए इसके बाद पूछ के ना फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो हम उसी पे ही देखते हैं अल्टरनेट होस्ट का ये मतलब होता है कि मुतबादिल होना एंडोपैरासाइट्स उनको कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं होस्ट ये ठीक है अल्टरनेट होस्ट का मतलब होता है कि एक होस्ट को चेंज करके दूसरे होस्ट में जाना हम देखेंगे आगे डायग्राम में कि जब भी हम टैप वन की बात करते हैं या एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं वो कभी भी अपना लाइफ साइकिल जो है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट नहीं करते ठीक है वो एक होस्ट में अपनी हाफ लाइफ गुजारते हैं और दूसरे होस्ट में अपनी सेकंड हाफ लाइफ गुजारते हैं और इस तरह से उनका साइकिल कंप्लीट होता है ये है कोशिका हाँ कार्य की थी है ऐसा कह रहे हैं कि स्टूडेंट कोई मेरी और इसके बाद है स्कियोलेक्स और प्रोग्लॉटिड्स ठीक है हमने स्कियोलेक्स का और प्रोग्लॉटिड्स का देखना है ये हमारे पास है डायग्राम ठीक है इसमें ये हमारे पास एक टैप वॉर्म है इसमें ये आपको देख रहा होगा पोर्शन जो रेक्टेंगुलर शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में आपको डिफरेंट पार्ट सेगमेंटेड की तरह के नजर आ रहे होंगे ये प्रोग्लोटिड्स है ठीक है और इसको ये जो पूरी जो प्रोग्लोटिड्स आपस में ज्वाइन करके अः uh, बॉडी बनाते हैं इसको कहते हैं श्रुबुलिया और ये जो हमारे पास बैंडिंग रीजन है या बडिंग की तरह से ये क्रिएट हो रहा है ऐसे हम कहते हैं नेक रीजन देखे यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है की उसके बाद ये हमारे पास ए जो हमारे पास पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारे पास है इंटीरियर स्कौ, रीजन होता है जो टैप का और यहाँ पे ही सकर्स और हुक्स अटैच होते हैं और इन्हीं सकर्स और हुक्स की मदद से जो बॉडी है वो नेक्स्ट मूव करती है इंटेस्टाइन में एंटर होगी इसके अलावा जो बॉडी की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह वो सकर्स और हुकर्स की मदद से मूव करती है जो हमारे पास प्रोग्लॉटेड है इसी प्रोग्लॉटेड में हमारे पास एक पेयर मौजूद होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम मेल और फीमेल दोनों को लेते हैं ठीक है एक प्रोग्लॉटेड में एक पेयर मौजूद होगा इस तरह से अगर हमारे पास ट्वेंटी प्रोग्लॉटेड एक टैप वम में है तो उसमें हमारे पास ट्वेंटी पेयर होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्लियर मैम ये दोबारा बता देंगे जो आपने बताया ना ये प्रोग्लोटिड वाला इसके साथ वो जो पेयर होते हैं उसका इसमें इसमें ये हमारे पास एक पूरी टैप वन की एग्जांपल है ठीक है इसमें हमारे पास स्कियोलेक्स है नेक है और स्ट्रिबुलिया है ठीक है जो स्कियोलेक्स है इस ये हमारे पास इंटीरियर पोर्शन होता है टैप का और इसी टैप वन में हमारे पास ये जो होल्ड फास्ट का वर्ड यूज किया गया इसका ये मतलब है कि यहाँ पे और हुक्स हुक्स अटैच होते हैं और और हुक्स का क्या मकसद होता है कि वो आ, किसी भी आ, आ, होस्ट में जब एंटर होना हो तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है और इसको ये एक भी कहते हैं कि ये प्लेटी हेलमन इसमें एक अडोप्टेशन है एज कम्पेयर टू सिलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस के इसके अलावा नेक में हम आप आग, आप आगे देखेंगे कि नेक में ये जो बेंडिंग हो रही है यहाँ से यहाँ पे बेंडिंग हो रही है इसके अलावा इसको हम ये भी कह रहे हैं कि ये बर्ड क्रिएट हो रही है ठीक है और यही इसने आगे जाके नेक्स्ट जो है वो बॉडी की ग्रोथ करवानी है इसीलिए इसको नेक रीजन रीजन या ग्रोथ ऑफ भी कहते हैं हैं इसके में, बाद, में, में जो होल्स बने आई से? जी इसके बाद ये जो पूरी हमारे पास बॉडी है इसी बॉडी को हम कह रहे हैं कि स्ट्रीबुलिया ठीक है स्ट्रीबुलिया में क्या है कि मेड अप इंडिविजुअल प्रोग्लॉटेड इंडिविजुअल एक एक जैसे अब ये एक प्रोगेड है ये दो है ये तीन है ये चार ठीक है ये चार है हमारे पास प्रोग्लॉटेड इसमें एक एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है ठीक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुराद हम मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन को लेते हैं देखिये अगर हमारे पास एक स्ट्रीबुलिया में हमारे पास ट्वेंटी प्रोग्लॉटेड हैं तो हमारे पास उसमें ट्वेंटी पेयर्स होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ठीक है अगर हम पेयर्स की बात नहीं करते तो हमारे पास उसमें 40 जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे ठीक है पेयर में हमारे पास उतने ही होंगे जितने प्रोग्लोटेड एक बॉडी में होंगे क्लियर है यहाँ तक यस yes, मैम जी मैम ठीक है यहाँ पे ये जो सिक्योलेक्स है इसी में ही हमारे पास जो है वो नर्व रिंग मौजूद होती है इसी नर्व रिंग में यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया इसी में ही नर्व रिंग होती है जिससे जो है वो नर्व कॉर्ड्स अराइज होती हैं उसी नर्व कॉज ने पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई होती हैं ठीक है दिक्या? और इन्हीं नर्व कॉर्ड के थ्रू जो मैसेज होता है वो एक पोर्शन से बॉडी के दूसरे पोर्शन में कन्वे होता है मैम ये फिशियन के जरिए यानी फिर आगे इसका जो प्रोबोटेट का एक पार्ट है वो अलग हो जाता है बॉडी से जी. फिर वो न्यू अगला टेबो बनता है जी जी प्रोग्लोटिड को सेगमेंट्स भी कह सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे हम जो सेगमेंटेड का वर्ड जो है वो मेन हम यूज करते हैं नीमा टोडा में, ठीक है लेकिन यहाँ पे हम इसी सेगमेंट को प्रोग्लॉटेड कहते हैं नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं यहाँ पे आपको इसका सिक्योलिक्स का और प्रोग्लॉटेड का डिफरेंस आ गया है वॉइस बंद करें जिस भी स्टूडेंट की ओपन है इसके बाद हम पढ़ेंगे इनमें सब क्लासेस कैस्टोडेरिया ठीक है इसमें uh, क्या डिफरेंस uh, होता है कि इसमें एक तो ये कि इसमें जो स्क्योलिक्स है वो स्मॉल uh, होता है या होता ही नहीं है इसके अलावा इसमें जो शक्र्स हैं वो अटैचमेंट के लिए होते हैं किसी भी होस्ट की बॉडी में अटैच जब होना होता है तो वो शक्कर को यूज़ करते हैं uh, सकर मतलब जैसे uh, Uh, कोई चीज चिमड़ नहीं जाती है जिसको कहते हैं उर्दू में चिमड़ जाना सेम उसी तरह और सकर जो होते हैं ना वो अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं और इनमें जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड नहीं होती ठीक है सब क्लास जो कैस्टोडेरिया है इसमें बॉडी डिवाइडेड नहीं होती और इसमें एक ही सेट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जब हम डिवीजन की बात करते हैं जब बॉडी प्रोग्लोटेड में डिवाइड होगी तो उस एक प्रोग्लोटेड में एक सेट होगा एक साइड का मतलब है कि एक पेयर होगा मतलब कि उसमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे जब बॉडी डिवाइड ही नहीं होगी सिर्फ एक ही लेंथ वाइज ही होगी तो उसमें जब डिवीजन नहीं होगी तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जस्ट एक पेयर होगा ठीक है ये बात मिक्स नहीं करनी है आप लोगों ने जो इनकी आउटर अपेयरेंस है ठीक है वो जो ट्रीमा टोडा के मेंबर्स हैं, क्लास के सेम उसी तरह से होती है कि उनकी बॉडी जो आउटर है वो लुक कैसे देती है सेम उसी तरह से इसके बाद जो लार्वा की हम बात करते हैं जो इसका लार्वा सेम जो है वो टैप वन की तरह का होता है और इसमें डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है वो लेक होती है डाइजेस्टिव ट्रैक का ये मतलब है कि उसमें एनस की और माउथ की हम डाइजेस्टिव में बात करते हैं तो उसमें जस्ट माउथ होता है नहीं होता क्या पॉइंट रिपीट करना है आ, ट्रीमा टोडा आपने जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी फाइलम प्लेटी थी इसमें हम तीन क्लासेस पढ़ते हैं ठीक है एक है ट्रीमा टोडा है टर्बुलेरिया है और थर्ड नंबर पे है ठीक है ट्रीमाटोडा में हम बात करते हैं फ्लूक्स की जो सेम इस तरह जी इनकी अपेयरेंस जो होती है वो ट्रीमा टोडा की तरह होती है सेकेंड uh, पॉइंट uh, वाला सकर्स और हुकर्स उनको कहते हैं ये टैपवा में हुकर्स और सकर्स होते हैं जिनकी मदद से ये अपने बॉडी को अटैच करते हैं uh, uh, किसी भी होस्ट में पेनिट्रेट करने के लिए ठीक है जैसे कि आप एक कहते हैं ना कि चिमट जाना साथ में जुड़ जाना बाइंड कर जाना सिक्योलिक्स हमने ये देखा था कि जो डायग्राम है ये हमारे पास सिक्योलिक्स की है ठीक है इसमें ही सकर्स और हुकर्स होते हैं उसके अलावा इसमें नर्व रिंग भी होती है हम इसकी बात करते हैं कैस्ट्रोडेरिया में जो है वो है या तो वो स्मॉल होगा उसका साइज स्मॉल होगा ठीक है या वो, वो होगा ही नहीं मौजूद ही नहीं होगा ठीक है जस्ट उसमें जो है वो सकर होंगे जिनकी मदद से वो अटैच करेंगे और वही सकर उसकी ओवरऑल बॉडी पे मौजूद होंगे लास्ट पॉइंट में यह है कि हम जो टैप में लार्वा की एग्जाम्पल पढ़ते हैं उस लार्वा में जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो लेक होगी डाइजेस्टिव ट्रैक का ये मतलब है कि उसमें एनस मौजूद नहीं होगा उसमें जस्ट जो है वो माउथ मौजूद होगा इसमें हम अर्थवर्म को नहीं ले सकते अर्थवर्म जो है वो और चीज़ है और जो टैप है वो और चीज है दोनों के साथ वर्म जरूर अटैच है लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है जी ये अपने फूड जो है वो सक्कर के थ्रू लेते हैं जब ये बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएंगे होस्ट के तो होस्ट की जो खुराक वो ये उसी को ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे इसके बाद है हमारे पास अ, सब क्लास है यू इसमें हमारे पास जो सिक्योल्स है वो मौजूद होता है इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है टेनिया स्यूलम इसको हम कॉमनली जो है वो पोर्क टैप भी कहते हैं और ये ह्यूमंस में मौजूद होता है Skeolix का मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रीजन होता है इसके अलावा इसमें मस्कुलर सक्कर होते हैं जिसकी मदद से ये होस्ट की जो बॉडी होता है उसमें अटैच होता है ठीक है मस्कुलर सकर्स भी कह सकते हैं या सकर डिस्क भी कह सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे हुक्स भी अटैच होती हैं और एलिवेटेड टिप उसको कहते हैं जो ऑन द टॉप होती है ठीक है उसी एलिवेटेड टिप को ये रेसीट्यूलम भी कहते हैं ठीक है और इसी रेसीट्यूलम पे जो है वो हुक्स मौजूद होते हैं और सकर डिस्क पे जो है वो सकरस मौजूद होते हैं यही सकर और हुक्स जो हैं ये पैरासाइट एज ए पैरासाइट अपनी लाइफ गुजारने के लिए ये होस्ट में पेनिट्रेट करते हैं जैसे आप किसी भी हाउस में अगर एंटर होते हैं तो आपको एंट्री चाहिए होती है आप नॉक करेंगे फिर एंटर होंगे ठीक है इसमें क्या होता है कि ये अपने सकर्स और हुक्स की मदद से परमिशन नहीं लेते जब भी वो उनमें मौजूद होते हैं तो ये उनकी मदद से सबसे पहले अपनी बॉडी को अटैच करेंगे होस्ट के साथ और उसी होस्ट के साथ अटैच के बाद ही उसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और जब एंटर होके स्टार, स्टार्ट हो हो जाएंगे जाएंगे एंटर जब हो जाएंगे, एंटर होने के बाद इन्होंने ये करना होता है कि ये वहां पर रहना शुरू कर देते हैं वहां पर रह के जो होस्ट खुराक खा रहा होता है ये उसको उससे ही अपने खुराक को छीनने लग जाते हैं और उनसे खुराक खाने लग जाते हैं और उसी खुराक से जब ये खाते हैं तो इस तरह से इनकी जो जिंदगी होती है वो बढ़ने लग जाती है जैसे एक बेबी छोटा होता है और वो जब बड़ा होगा सेम इसी तरह से जो इनकी लेंथ होती है जैसे जब ये एंटर होते हैं तो ये इनमे होते हैं ये फिर मेच्योर होने लग जाएंगे खुद को जो है यंग बनाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से ये उसके अंदर ही अपनी लाइफ गुजारते हैं जैसे जब फेसेस रिमूव किए जाते हैं तो उन्हीं फेसेस के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं एनवायरनमेंट में और उसी एनवायरनमेंट से जब दूसरे होस्ट जब उसको इनटेक करते हैं फूड खाएंगे या ग्रेजिंग करेंगे तो इस तरह से ये फिर दोबारा से जो है वो उसी होस्ट में एंटर हो जाएंगे ये इसमें मैं आपको खत्म नहीं कर सकते हम इनको खत्म नहीं किया जा सकता मेडिसिन वगैरह कोई नहीं है मैम नहीं मेडिसिन नहीं है इसमें या तो आप ये कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन करें ठीक है और जितनी भी ज़्यादा आप जो फूड खा रहे हैं उसको फुली कुकड होना चाहिए अक्सर ऐसे करते हैं कि बस जैसे ही कच्ची है पक्की है बस खा लो भूख लगी है तो उन अगर ये उन्हें मीट में मौजूद होंगे तो ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे ये हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमन की ठीक है ये ह्यूमन से जैसे ही ये फूड इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट फूड जब ह्यूमंस इंजस्ट करते हैं ठीक है वो अंडर कुक्ड होती है या वो कुक्ड नहीं होती है अगर मीट को हम खा रहे होते हैं वो प्रॉपरली कुक नहीं होता उसको हम कच्चा ही खाना स्टार्ट कर देते हैं या वो हाफ पका हुआ होता है और हाफ कच्चा होता है उसको खाते हैं तो इस तरह से ये अंदर जो है ह्यूमन्स के एंटर हो जाता है ठीक है और यहाँ पे ये यह दिखाया है कि सिक्योलिक्स ये हम सिक्योलिक्स का हमने पार्ट पढ़ा था ये अटैच हो जाएगा इंटेस्टाइन के साथ ये ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसमें एक सेकेंड टेनिया सोलियम जो है वो आ, हमारे पास साइंटिफिक नेम है फोर टैपवर्म का ठीक है फोर पर हमारे पास कॉमन नेम है और टेनियर सोलम जो है वो हमारे पास साइंटिफिक नेम है रेसिट्यूलम जो है वो हम उसको कहते हैं टिप को एलिवेटेड टिप को और जिस पे के हुक्स अटैच होते हैं और इन्हीं हुक्स और शक्कर की मदद से ये जो है ह्यूमंस की बॉडी में ये पेनिट्रेट करके खुद को रखता है क्लियर है ये हमारे पास स्टेपवम है ठीक है ये हमारे पास इसके सेगमेंट्स से क्या है प्रोगलॉट्स क्या है ठीक है और इसी प्रोगलॉट्स में मैंने आपको बताया कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं और वही जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं एग्स और ग्रेवियाइड प्रोगलॉट्स इन फेसिज एंड पास इन टू द इन्वायरमेंट जस्ट एक सेकेंड ठीक है ये इन्वायरमेंट में पास कर देंगे ये इन्वायरमेंट में ही रहेंगे इसके बाद इन्हीं एनवायरनमेंट पे जब हमारे पास पिग्स हैं ठीक है जब फीड करेंगी जब इन खुराक वगैरह अपने को खाएंगे तो इस तरह से ये इनकी जो मसल्स होते हैं ये उनमें मूव कर जाएंगे ठीक है यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं ओनकोस्र की ओनकोसफेयर जो है वो लार्वा है और इस लार्वे का इस लार्वे का ये काम होता है कि ये इम होता है ठीक है इस लार्वे को हम इमिच्योर कहते हैं ये प्रॉपरली ग्रो नहीं करता और इस तरह से ये पिग्स की जो है वो मसल्स में रहता है और इसी मसल से जब ये नेक्स्ट ग्रो करके डेवलप uh, करेगा करेगा सीरीसी, ठीक है इसे हम सिस्ट uh, लार्वा भी कहते हैं लार्वल स्टेज कहते हैं और इसी तरह से जब ये ग्रो करके ह्यूमंस में जब एंटर हो जाएगा जब ह्यूमंस में एंटर कैसे होगा कि जब वो इसे सॉरी uh, एनिमल uh, का जब गोश्त खाते हैं या फिर मिल्क लेते हैं ठीक है उसमें से ये ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमंस में और ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन है वहां पे ये बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके वहीं पे अपनी लाइफ गुजारेगा

और यही जो आ, सिस्टी सीरीज़ जो हमारे पास लार्वा है ये जो डिजीज कॉज करता है इसे हम कहते हैं सिस्टी सीरियोसिस ठीक है इसने क्या डेवलप करना होता है ये ऑर्गन में जाके डेवलप करता है और इसने सब टिश्यूज कहते हैं स्किन के जो टिश्यूज होते हैं उनको इसके अलावा ब्रेन है वहाँ पे और आइज है वहाँ पे ये इन्हीं ऑर्गन्स में जाके ये डेवलप होता है और वहीं पे रहता है

और ये पिग्स में रहते हैं अपनी जो लाइफ है वो पिग्स में गुजारते हैं उसके अलावा जो अब हम सिस्टी सीरीसी की बात करते हैं वो डेवलप हो जाते हैं ठीक है उनका जो सीरस होते हैं वो डेवलप होके सिस्टी सीरियस बनाते हैं उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो लार्वा लार्वा स्टेज में होता है वो डेवलप होके यंग बन जाता है एडल्ट बन जाता है जी. वो सेक्सुअली मिच्योर हो जाता है जबकि ऑनकोस फेयर में जब हम बात करते हैं वो तो सेक्सुअली इमेच्योर होता है जैसे आप उसे इनिशियल स्टेज पे क्या लें ठीक है जी मैम मैम ये टैप सिस्टी क्यूरियोसिटी टैप वॉर्म का नेम नहीं है ये वैसे ओवरऑल जो वॉर्म्स की डेवलप्ड स्टेज होती है उसको बोल रहे हैं ना टैप वॉर्म इसकी आगे डिफाइंड है सिस्टी सीरियसी की आप बात कर रही हैं जी मैम जो सिस्टी से है और जो ऑनकोस्फेर है ये दोनों लार्वल स्टेजेस हैं टैप वर्म में ठीक है टैपम भी कौन से वाला टैप वर्म है ये हमारे पास पोक टैप वर्म है इसका कॉमन नेम है और हमारे पास जो साइंटिफिक है वो है टेनिया सोलियम और इसके अलावा जब हम नेक्स्ट टैपम का साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें भी यही स्टेजेस हैं देखिए इसमें आपने दो बातें याद रखनी है कि डेफिनेट होस्ट कौन सा होता है और इंटरमीडिएट कौन सा होता है डेफिनेट होस्ट को हम डेफिनेट होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं ठीक है और इंटरमीडिएट को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें वो अपनी लाइफ जो है वो मिच्योर गुजारता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाता है लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी होती है उसमें जस्ट वो अपना लाइफ टाइम कुछ अरसे के लिए गुजारता है लेकिन उसमें सेक्सुअली मिच्योर नहीं होता एम मेच्योर होता है ये डिफरेंस आपने याद रखना है तो और ये ओवरऑल ये ओवरऑल हमारे हुँन। हुँन। पास साइकिल है और इसी में ही हम दो लार्वा की बात करते हैं ऑनकोस्पेयर की और सिस्टी की जी क्या कह रही हैं आप मैम ह्यूमन यानी उसका प्राइमरी होस्ट है और जो पिग है वो उसका सेकेंडरी होस्ट है जी जी जरूरी है जो उसका प्राइमरी होस्ट होगा वो ह्यूमन ही होगा और जो उसका सेकेंडरी है वो पिग ही होगा ठीक है ये चेंज नहीं होंगे आप ह्यूमन को सेकेंडरी नहीं कह सकते है? जी एक सेकेंड जी जी सहीदा बोले जी ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं uh, करें कि अगर ये पिग में या कैटल में अपनी लाइफ एज ए सेकेंडरी होस्ट गुजारेंगे तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं आप कह सकते कि ये एलिफेंट में ग्रो करेंगे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनके ये होस्ट जो है वो स्पेसिफाई होते हैं क्लियर है यहाँ तक नेक्स्ट चले जी मैम ओके okay. ये मैंने आपको मैं, पहले ही बात बत, जी, मैं पिंक्स, पिंक्स के नहीं है जो इसका प्राइमरी है वो ह्यूमन ही रहेगा लेकिन जब हम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कैटल भी है हमारे पास पिग भी है उसके बाद है okay. जी ये इजीली नहीं होता ये डिपेंड करता है कि फूड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फूड इनटेक करते हैं क्योंकि आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा अभी एक मिनट में तो इन फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो बाकी का पोर्शन रह जाएगा उसमें स्टार्ट करेंगे ये देखें ये हमारे पास एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है पोर टैपम का जो कि ह्यूमन में जो है इंटस्टाइन में रहता है शॉर्ट नेक का मैंने आपको बताया है नेक को बडिंग जोन भी कहते हैं क्योंकि वहां से एज ए बर्ड अरइज हो रही होती है और वो जो कि पूरा स्ट्रिबोलिया बनाती है और इसी स्ट्रिबोलिया में 1000 प्लस प्रोग्लोटिड्स की बात करते हैं ये मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया भी है स्ट्रिबोलिया का मैं बताया है प्रोग्लोटिड्स का मैं बताया और इसके अलावा